हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है, तो सिर्फ परवरदिगार से। जब हम दुश्मनों का ख्याल करते हुए अपने पांव नीचे रखते हैं, तो हमारे दुश्मन मौत का तसव्वुर करते हुए जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो, जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। और फिर तुम जैसे गेंडे की शक्ल क्या उखाड़ी गया।